लेविन यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता, पर ये अच्छा नहीं है। मैंने तुमको पहले ही बोला था कि इस जगह पर पेड़ों की वजह से ड्रोन नहीं उड़ाओ। हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने भी तुमको बोला था कि 3 कोक नहीं पीनी चाहिए खट्टी, लेकिन तुमने पी ना, नहीं मानी ना मेरी बात, तो इसका मतलब अब हम बराबर हो गए। मुझे बहुत सारी मक्खियों ने काट लिया है, मुझे लगता है कि मेरे हाथ पे धब्बों के बहुत सारे निशान हो जाएंगे, जैसे कोई पजल। अरे मुझे पजल्स बहुत पसंद है। छोड़ो बिना बहन, तुम्हें मालूम है मेरा मतलब क्या है? मुझे लग रहा है मैं चलता फिरता बूफे हूँ। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी टीचर ने एक बार बोला था कि अगर लोगों ने इस पूरे प्लेनेट से इन सब इंसेक्ट्स को हटा दिया ना, तब भी हमें इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। तो क्या ये इंसेक्ट्स भी किसी तरह के एलियन इन्वेडर्स हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इनका भी एक दिन आएगा? क्या ड्यूड, क्या तुमने देखा वो इतनी बड़ी विशाल सी चींटी यहाँ से गुजर रही है? ठंड रखो गोयन, हर छोटी चीज यहाँ भयंकर नहीं होती। चलो ठीक है, लेकिन क्या वो बीटल नहीं लग रही कि नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा बड़ी है? ये नई स्पेल तो कमाल की है, मैं यहाँ पर बड़ी सी आर्मी बनाने वाला हूँ ताकि दुनिया में तबाही फैल जाए और बेन टेनिसन के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। ये काम कर रही है, हर वक्त मेरी आर्मी बढ़ रही है, हर एक मिनट। ये मत भूलो कि तुम मेरे लिए काम करती हो। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? अभी नहीं, पर आज जल्दी उसे ढूंढ लूंगा, नहीं तो हमारी 6 टांगों वाली आर्मी तो उसे ढूंढ लेगी। अच्छा है, चलो अब चल के पूरी दुनिया पर राज करने की इकट्ठी तैयारी करते हैं। चुप रहो, तुम मेरे नीचे काम करोगे, डिटेल्स की जानकारी मैं जुटा लूंगा, तुम बस टेनिसन को खोजो। ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन वो पर्यावरण का रक्षक है, ऐसा मुझे नहीं लगता। ए, तुम्हारे सर के ऊपर से क्या जा रहा है? ये क्या है? ओ माय गॉड, ये क्या चीज है? इसे मुझसे दूर हटाओ। यहाँ किट्टी किट्टी, तुम क्या हो टेनिसन? उन पेड़ों से दूर ही रहना, मुझे पता है कि ये जंगल जो है भूतिया है। चलो यहाँ से निकले, लेकिन पहले मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं कि एक मकड़ी जो कि तुम्हारे पीछे चल रही थी या तुम्हें पीछे से देख रही थी? मुझे नहीं पता, पर मैं डरा हुआ था कि पूछो कैसे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि 8 आंखें बड़ी दुष्ट आंखें थी। हाँ, और वो मकड़ी बिल्कुल डिसाइड ही कर चुकी थी कि या तो वो हमें तल दे या फून दे। तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, चलो यहाँ से निकले। इतनी जल्दी मत जाओ, यहीं रहो, आओ बैठते हैं और कुछ नाश्ता करते हैं, लंच मेरी तरफ से। एक्चुअली लंच तो तुम ही लोगो। Well, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन हाँ फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम्हें वहाँ कोई मदद चाहिए? नहीं हम ठीक है। हाँ मुझे यहाँ से निकलना है, क्या तुम एक रस्सी फेंक सकते हो? तुमसे बाद में मिलता हूँ सकर्स। वो स्पाइडर जो मेरे साथ करना चाहती है मुझे उसे करते रहना चाहिए। हाँ तुम्हें कहा था। ओह ये सही है, मैं लंच के लिए टेबल सजाने वाला था। इतनी भी जल्दी क्या है, यहाँ वापस आ जाओ। जल्दी करो बेन, ओमनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करो। ओके, हीरो बनने का वक्त आ गया है। अरे नहीं नहीं ये मत करो। अरे ये तो चिपकने की समस्या हो गई। और अब मुझे दोबारा से बाथरूम जाना पड़ेगा। क्या तुम वाकई हो? वहाँ हो तुम? हाँ मुझे ऐसा लगा कि एक पल के लिए हमने टेनिसन को खो दिया, लेकिन तुम तो यही हो। मैं धीरे धीरे नहीं पछता, ग्वेन कुछ करो। हे hey, और यहाँ पे आया बिच्छू, तुम जानते हो बिच्छू मकड़ियों को खाते हैं, है ना? मुझे लगा तुमने कहा कोई बड़े बिच्छू नहीं है। मैं जितनी भी मदद चाहता था ले सकता था, बुरे वक्त की तुलना भी बुरी होती है। ये लोग तो बिल्कुल पगला गए हैं, अपने आप निपटो इनसे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लंच तुम्हारी तरफ से रहा इस बार। इस चीज को कैसे चलाते हो तुम? hey, यहाँ से निकलो। अरे यार मैं इस चीज के चक्कर में अपनी सारी जमा पूंजी लुटा दूंगा। बेन कुछ करो, पहले मेरे हाथ खोलो। हमारी एक डील थी, दोगले तगाबाज तू। ये लो, अब उस मकड़ी को मेरे हेलीकॉप्टर से नीचे उतारो,
हीरो बनने का वक्त आ गया है। हे दोस्तों। ओ यार, ये कैसी खुशबू है? क्या तुम्हारे अंदर कुछ मर गया है? हम यहाँ वापस हैं। ये बदबू बहुत गंदी है और ये हम सबको मार सकती है। रुको, पीछे जाओ वापस। हमें टेनिसन को पकड़ना भी तो है। किसी भी हालत में नहीं, वो बदबू बहुत गंदी है। तुम्हें बाद में देखता हो जादू आदमी। मैं ये नहीं भूलूंगा टेनिसन। कोई दिक्कत नहीं, और मैं ये नहीं भूलूंगा कि ये जो छोटी सी ट्रिक है ना, ये मैं अगली बार स्कूल का कमरा साफ करने में लगाऊंगा। ओ मेरे सरताज, ये बदबू इतनी गंदी कैसे हो सकती है? ये बहुत ही बुरा है कि मुझे मेरा ड्रोन कभी नहीं मिला। ये बहुत बुरा है कि हमने अपना पाठ कभी नहीं पढ़ा। बहुत बुरी गर्मी अब लगभग खत्म हो गई है और हम जल्दी अपने घर जाएंगे। आपने क्या कहा दादाजी?